Once again, salute and hats off to pantry services. देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। आज है नवंबर 9th, फिलहाल मैं हूँ शालीमार स्टेशन पे, आने जा रहा है आपके लिए एक फ्रेश व्लॉग। और बात करें बंगालीज की हॉलीडेज की, तो अक्सर जो है तीन ही जगह जाना प्रेफर करते हैं, उसको बोलते हैं दीपुदा, यानी दीघा, पूरी, दार्जिलिंग। दीघा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वॉल्वो बस दिखा रखी है और दार्जिलिंग के लिए मैंने आपको सिलीगुड़ी तक वॉल्वो बस दिखा रखी है। अब बारी आती है पूरी की। आज अपन ट्रैवल करने वाले हैं एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन में। हालांकि ये ट्रेन काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। हाँ, पहले ये हावड़ा से चलती थी सुबह के 7 बजे के आसपास, बट अभी जो है ये शालीमार पे आई है। शालीमार से सुबह 9:15 पे टाइम है और शालीमार पहुंचना, भाई साहब थोड़ी देर में आपको बताता हूँ शालीमार पहुंचने में जो है कितनी मुसीबत है। कनेक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहले स्टेशन के अंदर चलते, मैं आपको स्टेशन भी एक झलक दिखा देता हूँ, फिर ट्रेन की सारी जानकारी मैं आपको अंदर जाकर देता हूँ और ट्रेन के इंटीरियर्स वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सब जानकारी दे दूंगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं, सामने भी यार दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, छुट्टी पे जाने का प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये व्लॉग आप देखिए। सब कुछ बता दूंगा कि पैंट्री में खाना कैसा है, क्या मिलता है, क्या आपको ई कैटरिंग ऑर्डर करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे स्टॉप है और कैसी है इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी। वैसे मेरी पंक्चुअलिटी जो है खराब हो गई, 8:50 का टाइम हो रहा है, 9:15 की ट्रेन, इतना लेट में कभी करता नहीं, लेकिन ओला उबर के बाइक्स वालों ने करवा दिया। अंदर जाता हूँ, किस्सा बताता हूँ। पहले बाहर से आप शालीमार स्टेशन देख लीजिए, शालीमार का बोर्ड तक जो है नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग वार्किंग भी जो इसी तरह से है, मतलब कुछ भी जो है खास नहीं, एकदम मतलब कह सकता हूँ कि कोलकाता रीजन में सबसे बेकार स्टेशन यही है। फिर देखिए सब कुछ जो है अभी कचरा वचरा हो रहा है, मतलब एकदम भी बिल्कुल भी ये स्टेशन बना नहीं है। अंदर चलते हैं, अपनी ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है और लोकोमोटिव देख के दिल को मज़ा आ गया। और ये था रीज़न मेरे खुश होने का, अपने को मिला है आज ट्राई कलर वैप 7 ट्राई कलर लिवरी है। लोकोमोटिव जो है वो देख रेख किया जाता है छात्रागाजी शेड के द्वारा और ट्रेन हमारी चल रही है आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ट्रेन का नंबर है 12821। आज अपन ट्रैवल करने वाले एसी चेयर कार से, चलते हैं और देख लेते हैं कि कोच के इंटीरियर्स कैसे हैं। तो इंटीरियर्स कुछ इस तरह से हैं, एक तरफ 2 सीट्स, एक तरफ 3 हैं और यहाँ पे आपके लिए है रीडिंग लैंप्स। देखिए मेंटेनेंस नहीं चल रहे, यहाँ पे आपके लिए टेबल्स हैं, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, पानी बोतल होल्डर। बात करें इसकी बुकिंग का, मैंने तो तत्काल लिया क्योंकि रिसेंटली मेरा प्लान बना और वेट लिस्ट जो है चलता रहता है इस ट्रेन में। यहाँ पे जब हमने बुकिंग की बात कर ली तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीगो के बारे में। वीगो बेसिकली एक ऐप है जहाँ पे आप अपनी फ्लाइट टिकट्स और होटल बुक कर सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने ट्रेन की टिकट्स का ऑप्शन भी ऐड कर दिया, तो ट्रेन की टिकट भी आप वहीं से बुक कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है आपका मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो भी वेबसाइट से, मान लीजिए फ्लाइट का मेक माई ट्रिप हो गया, गोवा एबीपी हो गया, फिर जो इज़ माई ट्रिप हो गया, कोई भी स्पेसिफिक फ्लाइट के फेयर्स वो कंपेयर करती है हर वेबसाइट पे क्या क्या चल रहा है। जैसे मेक माई ट्रिप पे आप मान लीजिए 5,000 चल रहा है, गो आई बी वो पे मान लीजिए कुछ ऑफर है 250 रुपये का, तो वो कुछ कम हुआ, तो कंपेयर करके आपको देती है चीपेस्ट फेयर, जिसकी वजह से मेरे को एक अच्छा सेविंग होता है। होटल पे भी सेम सीन है, आप मेक माई ट्रिप बोलिए, आप ओयो बोलिए, फिर आप booking.com बोलिए, अगोड़ा बोलिए, ये सब के कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह से जो है कंपैरिजन आता है। बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक डेट के लिए एक होटल आप देखिए, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस होगा, तो वीगो आपके लिए ढूंढ के देगा सबसे सस्ती वेबसाइट। अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यार पता चल जाएगा कि आप कुछ पैसे बचा रहे हो इस ऐप का यूज़ करते हुए। टाइम इज 9:10, 5 मिनट रह गए डिपार्चर को। तो मैं बता देता हूँ कि शालीमार स्टेशन की कनेक्टिविटी कैसी है, एकदम घटिया कनेक्टिविटी, एकदम घटिया। मैं सुबह हावड़ा उतरा 8 बजे के आसपास, मैं हावड़ा स्टेशन से निकला, वहाँ से मैं फिर ओला बाइक बुक करा, ओला बाइक वाले जाने को तैयार ही नहीं है। उधर प्राइस है 50-60 रुपये का, वो बोल रहे कि नहीं हम इस प्राइस पे नहीं जाएंगे, आपको 180-200 रुपये देना पड़ेगा। किसी ने 300 भी बोल दिया, मतलब आप सोचिए हार्डली 4 किलोमीटर होगा उसके लिए 300 रुपये बाइक पे बोल दिया। पहले ट्रेन जो है हावड़ा से चलती थी, अब रिसेंटली ये आ गई है शालीमार पे। वैसे यहाँ से जो है छात्रागाछी होके भी जाती है, तो अगर आपको छात्रागाछी से बोर्ड करना है, आपका घर अगर नज़दीक है, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। I
आइए इस ट्रेन के हॉर्स देख लेते हैं। अपन आज कुछ 500 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे और 45 मिनट में तय करेंगे और इस यात्रा के दौरान हमारी एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पहुंच गए हैं फिलहाल शांतरागाछी। यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स ने बोर्ड किया है। बात करें फेयर की तो इसी चेयर कार में अगर आप पूरी जाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 700 के आसपास। अगर आप ये सेम चीज़ सेकंड सिटिंग में कर लें, विंटर का मौसम है, पॉसिबल भी है, तो आपको देने होंगे सिर्फ 190 रुपीज़। बाकी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद ही चालू हो जाएगा हाई स्पीड एक्शन। 130 की रफ्तार से जो दौड़ेंगे तो उस रन को जो है अपन एन्जॉय करते हैं। वैसे एक चीज़ मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, देखिए चार्जिंग पॉइंट जो है ना, यूजुअली पहले सिर्फ एक ही सॉकेट होता था फॉर 4 पैसेंजर्स या उस साइड में फॉर 6 पैसेंजर्स, बट इन्होंने क्या किया है यहाँ पे 2 दिया है। तो ये जो है 2 ये सामने के सीट्स के लिए और मेरे जो 2 है ये नीचे दिए हुए, मतलब हर सीट पर जो यहाँ पर हमको एक चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है वो भी सॉकेट वाला, सो दैट्स वेरी गुड। बट जो है ये सॉकेट फिलहाल चल नहीं रहे, मेंटेनेंस। कर चुके हैं उलुबेरिया, अभी जो है चाय नाश्ते का टाइम है। मैंने लिया है ब्रेड ऑमलेट और चाय। चाय तो भैया चलती रहती है और ब्रेड ऑमलेट देख लीजिए, 2 ब्रेड है, एक जो है सॉस है और ब्रेड में बोल रहे हैं कि बटर बटर जो है लगा हुआ है एकदम। 50 रुपीज़ का है जो स्टैंडर्ड रेट है IRCTC ने जो निर्धारित किया है, फिलहाल 200 बेच रहे हैं। बट मेन जो है लंच है, लंच वेज थाली 80 का होता है, बट जनरली हर जगह मैंने देखा है कि 120 का ही देते हैं। आज देखते हैं। एकदम फ्रेशली मेड और टेस्ट जो है ना इसका ज़बरदस्त है। पहुंच गए हैं खड़गपुर जंक्शन। एक टाइम पे जो है ये प्लेटफॉर्म, ये वाली प्लेटफॉर्म वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करती थी, बट अब जो है वो इतिहास के पन्नों में जा चुकी है। अभी वो रिकॉर्ड होल्ड करती है कर्नाटका की हुबली स्टेशन, उसकी लेंथ अभी 1400 मीटर्स के आसपास है। इसी प्लेटफॉर्म पर जो है 3-3 ट्रेन एक साथ खड़ी होती थी और लंच का ऑर्डर जो है लेके गए। लंच पे मिलता है आपको वेज मील, एग मील और चिकन मील, एग्जैक्टली वो जो IRCTC ने निर्धारित किया है। और मैं शॉक्ड रह गया ये सुन के कि जो रेट्स उन्होंने बताए वो सेम है जो IRCTC बोलती है, चिकन 130 का, वेज 80 का और एग जो है वो 90 का। और साथ में ये भी बोला है कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा मिक्स सब्जी चाहिए उसका 20 रुपये लेंगे, वो आलू गाजर वाजर। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं चाहिए, आप जो मेनू में है वो ही दो। बट पेंट्री सर्विस बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से निकलने के बाद यार समोसा भी ट्राई करते हैं। अपन आए थे प्लेटफॉर्म 1 पे और यहाँ पे चालू हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 3, मतलब सोचिए। ये जो कोच सामने देख रही है हाइब्रिड LHB कोच।
दोपहर के 1 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं बालासोर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेट में कहूँगा। जो टूरिस्ट आना चाहते हैं चांदीपुर सी बीच में वो यहाँ पे उतर सकते हैं, यहाँ से आप कैब टैक्सी ये सब करके जो है जा सकते हैं। चांदीपुर सी बीच के बारे में आपको नहीं पता, एक ऐसा बीच है जहाँ पे जब हाई टाइड होगा तब तो किनारे तक पानी आएगा और जब लो टाइड होगा तब आप उसी बीच से जो है 2-3 किलोमीटर जो आराम से चल के जा सकेंगे। बाकी जो है लंच मेरा सर हो चुका है, यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको लंच दिखाता हूँ। और अब तक हमने कवर कर लिया 230 किलोमीटर्स ऑलरेडी, बहुत पहले अपन ओडिशा में एंटर कर चुके हैं। ऑल्सो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, पैंट्री परफॉर्मेंस एंड OBHS परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। मेंटेनेंस तो भली देखो कोचिंग यार्ड वगैरह करता है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन OBHS सुबह से मतलब हार्डली यार 3-4 घंटे की जर्नी हुए उसी बीच जो है 4 से 5 बार वो क्लियर करके गए, मतलब जो भी कचरा है वो बैग लेके जो है क्लियर करके गए। साफ़ सफाई भी उन्होंने 2 बार कर दी और जो पेंट्री है भाई अमेजिंग सर्विसेज। ब्रेड ऑमलेट खाया था सुबह वो भी अच्छा है और लंच अभी देखा मैंने कि जो पुराने तरीके से मिलता था एकदम ट्रे वे में सजा के वैसे मिला है। निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं हमारा लंच कैसा है। पहुंच चुके हैं गाइस सोरो, यहाँ पे देखिए सब ट्रैक वैक का काम चल रहा है। प्यारे से स्टेशन भद्रक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेन हमारी यहाँ पे बिफोर टाइम आ गई, इनफैक्ट मैं अंदर बैठा था मुझे लग रहा था कि ट्रेन चल क्यों नहीं रही, फिर मेरे को पता लगा कि अपन बिफोर टाइम आए इसलिए फिर मैं उतर गया। बात करें लंच की, लंच वॉज अमेजिंग, इतना बढ़िया खाना मैंने एटलीस्ट सुपर फास्ट या इन सब ट्रेन में पहले कभी नहीं खाया। पैंट्री ने तो यार ज़बरदस्त काम किया क्योंकि यार एकदम होमली मेड प्रिपरेशन था, दाल बहुत अच्छी थी, राइस वाइस सही था और देखिए जो प्राइस है उसी पे उन्होंने मील दिया। दही नहीं था उनके पास तो उन्होंने जो है गुलाब जामुन दे दिया, मतलब इससे ज़्यादा और मैं कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता एक पैंट्री से। ग्रेट जॉब जो भी मैनेजर है अगर वीडियो देख रहे हैं तो सर इसी तरह से आप अपने काम को कंटिन्यू करिए। इस लंच के अलावा जो है आपको यहाँ पे वेज पैटीज, पनीर पैटीज, वेज बर्गर, पनीर बर्गर, सैंडविच और जो है बिरयानी मिल जाएगा, वो सब वेंडर्स लेके घूमते हैं। अगर आपको थाली नहीं चाहिए तो वो आप डेफिनेटली खा सकते हैं। कंटिन्यू करते जर्नी, शायद केओंझोर के बाद थोड़े अच्छे नज़ारे आएंगे तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी देखिए अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान करें पूरी के लिए तो यार आपके घर में किसी को भी सुबह उठ के खाना बनाने की जरूरत नहीं, इस पर आप खा सकते, एकदम होमली प्रिपरेशन, एकदम लाइट है और टेस्ट ना एकदम जबरदस्त है। टेकिंग न्यू दिल्ली भागलपुर
क्रॉस कर गए हैं कटक और पैंट्री सर्विस से मैं तो वैसे ही बहुत खुश था। उसके ऊपर से जो है मैंने शाम को देखा कि वो पनीर पकौड़ा, चिकन पकौड़ा, फिर जो है आपका आलू चॉप सिंगाड़ा, ये सब दे रहे हैं, तो फिर लगा कि यार इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। बस कुछ ही देर में अपन पहुंचने वाले हैं भुवनेश्वर। आज की अपनी जर्नी भुवनेश्वर पे ही समाप्त होगी। यहाँ से मेरे को आज रात को ट्रेन लेके जयपुर जाना है, और मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ ये प्रोबेबली आपको अब तक पता चल गया होगा। एक और रिवर क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल। शाम के 4:40 हो रहे हैं, अपन 20 मिनट लेट पहुंच गए हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये ट्रेन जो है शाम को 6 के आसपास पूरी पहुंच जाती है, तो अगर आप एक टूरिस्ट है शायद आपका नुकसान ही है ये ट्रेन को लेके, क्योंकि यार आपका पूरा एक दिन जो है बर्बाद हो रहा है सिर्फ ट्रैवल करने में। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो है वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, मान लीजिए सुबह 6 चलेगी हावड़ा से, आपको दोपहर को 1:30 पूरी पहुँचा देगी, आप आराम से 2 चेक इन कीजिए, अपना बाकी का दिन निकालिए, और वंदे भारत वापस में 2 चलेगी, तो चेकआउट आउट लंच वंच करके आप पकड़िए और रात को जो है हावड़ा पहुंच जाइए। ये सब जो है रेलवे को सोचना पड़ेगा। चलते हैं स्टेशन के बाहर। मेरी एक्चुअली ट्रेन यहाँ पे शाम को 7:30, तो मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक अच्छा मॉल है नेक्सस मॉल, वहाँ जाके टाइम पास कर लूँगा। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, और वंस अगेन सल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू पैंट्री सर्विसेज। मेरे को फ्री में खाना नहीं खिलाया इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा, सब मैंने पैसे वैसे दिए यार। सर्विस आपको ज़बरदस्त लगेगी अगर आप आओगे इस ट्रेन में तो। और OBHS भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट जो इकोर का मेंटेनेंस है यानी ईस्ट कोस्टर्न रेलवे का, बहुत ही वाहियात मेंटेनेंस, इतना घटिया मेंटेनेंस मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ये छोटा सा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोई ट्रेन है आपके मन में जिसका व्लॉग बनाना तो मुझे बताइए, मेरा तो काम ये है कि आप जो बोलो वो मैं करने निकल पड़ूँ। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। आप वीगो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं डिफरेंस कहाँ पे क्या ऑफर है, होटल्स कहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस पे मिल रही है, आपको फ़ायदा नज़र आ ही जाएगा, मैं पर्सनली आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। और आज यार एक प्रॉब्लम होगी, आज मैं इतने अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया, रीज़न मेरे साइड में जो है लेडी पैसेंजर आ गए थे खड़गपुर से, तो उसके बाद जो है आपने देखा होगा मैं बिल्कुल चुप हो गया था। रीज़न की यार मैं तो कैमरा निकाल के कर लूँगा, लेकिन उनको लगेगा क्या गलत इंटेंशन है बंदे का, तो इसलिए जो है मैंने नहीं किया। मैंने सोचा बीच में वो सो भी रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, इसलिए आपको फुटेज आज विंडो से दिखाया मैंने, बहुत 19:20 है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।